हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4, हार्ट्स एंड हैंड्स। वी ऑफन जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड मेक प्रिजम्पशंस बेस्ड ऑन पेपर्स अपीयरेंस। इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर ही अपना एक क्या करते हैं हम लोग अपना एक मत बना लेते हैं किसी के भी बारे में। मतलब किसी को भी हम लोग अपने हिसाब से जज कर लेते हैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर। बट इज़ दैट राइट? लेकिन क्या ये सही है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। सो लेट स्टार्ट। एट डेनवर, डेनवर इज नेम ऑफ स्टेशन, देर वॉज इन द रश ऑफ पैसेंजर्स इन टू द कोचेज ऑन द ईस्ट बाउंड B&M एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है वहाँ पर स्टेशन पर खड़ी? B&M। इन द रश मतलब अ सडन फ्लो ऑफ मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। अभी आप लोगों को पता है जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो कितने जल्दी जल्दी से लोग उसमें अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वैसा ही एकदम से पैसेंजर का फ्लो कुछ वहाँ पर स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे के अंदर जा रहा था। इन वन कोच, उसमें एक कोच पर सैट अ प्रीटी यंग वुमन elegantly dressed and surrounded by all the possible luxurious comforts of an experienced traveler। और उसमें वो जो ट्रेन थी B&M एक्सप्रेस, उसमें एक कोच पर कौन बैठा था? एक यंग लेडी बैठी थी। elegantly dressed मतलब उसने gracefully dress up किया था उसने खुद को। and surrounded by all possible luxurious comforts of an experienced traveler, और उसके पास वो सारी चीज़ें, लग्जरियस मतलब वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, मतलब अगर हमें कहीं पर जाना है, ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग के टाइम हमें जो जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें उसके पास थी। मतलब उससे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा ट्रैवल करती है। ओके, अमंग द न्यू कमर्स वेर टू यंग मेन। अब लोग चढ़ रहे थे डिब्बे में, तो उसमें न्यू कमर्स में दो मेन आए। वन हैंडसम यंग जेंटलमैन विथ अ बोल्ड एक्सप्रेशन एंड मैनर। दोनों लोग आए, उसमें से एक जो था वो कैसा था? थोड़ा यंग और हैंडसम, यंग। ओके, और उसके एक्सप्रेशन कैसे थे? बोल्ड एंड मैनर, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि डिसेंट बंदा है करके। ओके, देन द अदर वॉज रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन हेविली बेल्ट एंड रफली ड्रेस्ड। जो दूसरा जो था जेंट्स, वो कैसा था? रफल्ड मतलब नॉट नीट, ग्लम फेस मतलब थोड़ा सा उदास चेहरा, उसका चेहरा उदास भरा चेहरा था। हेविली बिल्ड एंड रफली ड्रेस, उसकी जो बॉडी बिल्डिंग जो थी वो थोड़ी सी हेविली बिल्ड की हुई थी। द टू वेयर हैंड कफ टुगेदर, दोनों के हाथों को भी क्या लगी थी? हथकड़ी लगी हुई थी। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों के हाथों को हथकड़ी लगी हुई है। उसमें से एक जो है वो कैसा है? यंग है, जेंटलमैन दिख रहा है, उसके एक्सप्रेशन बहुत बोल्ड है, और जो दूसरा है वो एकदम वो नीट नहीं है, उसका चेहरे पर उदासी है। ऐसे दो लोग और उनके अपोजिट साइड में वो यंग प्रीटी लेडी बैठी हुई है। सो नेक्स्ट, एज दे पास डाउन द आइल ऑफ द कोच द ओनली वैकेंट सीट अवेलेबल वॉज वन फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमन। अभी ये जो न्यू कमर आए दोनों, जिनको क्या लगी हुई थी? हथकड़ी। वो लोग, आप लोगों को पता है ना, ट्रेन में दोनों साइड से ये रहते हैं, कोच रहते हैं, और बीच में जो जगह रहती है दैट इज़ आयल, वो जो पैसेज रहता है जहाँ से हम लोग चलते हैं दैट इज़ आयल। हाँ, तो वो लोग वो पैसेज से आए और उन्होंने देखा कि सीट कहाँ पर है, वैकेंट सीट, खाली सीट कहाँ पर अवेलेबल थी? उस लेडी के अपोजिट साइड में। हियर द लिंक ड्यो सिटेड देमसेल्फ, लिंक मतलब वो दोनों हथकड़ी से बांधे हुए थे इसलिए लिंक वर्ड यूज़ किया है, ड्यो मतलब कपल। ओके, द यंग वुमन The young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest. उनके सामने जो लेडी बैठी थी उन्होंने उन दोनों की तरफ देखा, थोड़ा सा दूर से देखा और थोड़ा सा disinterest, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं देखा उन्हें। Then suddenly with a dazzling smile, dazzling मतलब lovely smile, impressive smile, she held out a dainty grey gloved hand as she recognized one of the gentlemen. उन दोनों में से एक जेंटलमैन को उसने रिकॉग्नाइज किया, मतलब वो उन्हें पहचानती थी, तो उसने क्या किया? अपना एक हाथ, डेंटी मतलब स्मॉल डेलिकेट एंड प्रिटी, ग्रे कलर के ग्लव्स उसने पहने थे, वो उसके सामने किया शेक हैंड करने के लिए। When
She spoke, her voice was full, sweet and deliberate. जब उसने बात करना स्टार्ट किया तो उसकी वॉइस कैसे थी, एकदम वेल मैनर्ड, अच्छी सी मीठी सी आवाज़ थी कि जैसे उसे बात करने का बहुत प्रैक्टिस है उस टाइम. इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज यूज टू बींग इन कमांड, मतलब उसे पता था कि किस तरह से बात करनी है. वेल मिस्टर ईस्टन, इफ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट आई सपोज आई मस्ट, उसने कहा कि ठीक है मिस्टर ईस्टन, अगर आप चाहते हो कि मुझे पहले बात करनी है तो ठीक है मैं करूँगी. डोंट यू रिकोगनाइज ओल्ड फ्रेंड्स वेन यू मीट देम इन द वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट जो वर्ड यूज़ किया है ना वो है द पार्ट ऑफ यू एस ए वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर दैट बिकेम डेवलप ओनली इन लेट 1800s. तो ये जो है, तो उसने पूछा कि क्या आप पुराने फ्रेंड्स को पहचानते नहीं हो, जब आप उनसे मिलते हो क्या उन्हें पहचानते नहीं हो, जिन फ्रेंड्स को वेस्ट में मिले हो. नेक्स्ट पेज. द यंगर मैन रोज हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस विद स्लाइट एम्बेरसमेंट विच ही ब्रश्ड ऑफ इंस्टेंटली एंड देन क्लास्प्ड हर फिंगर्स विद हर लेफ्ट हैंड. देखो क्या हुआ, जैसे ही उसकी आवाज़ उन दोनों के कानों पर पड़ी तो उसमें से जो यंगर मैन था, ठीक है, वो एक्चुअली देखो वो जो वहाँ पर बैठा था उनके हाथों में हथकड़ी थी, तो वो उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था. रोज लिखा है ना यहाँ प्यार, वो यू एस ए डी एस, इट मीन्स नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ टॉकिंग, वो कुछ अलग ही इसमें था और उसके कानों पर वो आवाज़ सुनाई दी तो उसने उस आवाज़ की तरफ देखा विथ स्लाइट एम्बेरसमेंट, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी. एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ शेम विच ही ब्रश्ड ऑफ, ब्रश ऑफ मतलब थ्री ऑफ इंस्टेंटली, वो जो फीलिंग है उसने जल्दी से क्या कर दी, वो निकाल दी. एंड देन टच हर फिंगर्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, देखो उसने शेक, वो जो लेडी है उसने शेक हैंड करने के लिए राइट हैंड सामने किया था. हम लोग जनरली कैसे शेक हैंड करते हैं, राइट हैंड सामने करते तो सामने वाला भी आदमी राइट हैंड ही सामने करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उस जेंटलमैन ने क्या किया, लेफ्ट हैंड से उसकी फिंगर टच किए लेडीज के, ओके लेडी के फिंगर उन्होंने टच किए. देन इट्स मिस फेयरचाइल्ड ही रिमेम्बर्ड विद अ स्माइल, उसे एकदम ध्यान में आ गया, अरे ये तो मिस फेयरचाइल्ड है. आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट्स ऑक्यूपाइड एट प्रेजेंट, उसने कहा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मेरे राइट हैंड को आप माफ़ कर दो क्योंकि वो कोई अलग जगह ही बिजी है. ही स्लाइटली रेज हिज राइट हैंड, उसने अपना राइट हैंड ऊपर करके उसको दिखाया, बाउंड एट अ रिस्ट, उसके रिस्ट पर क्या लगा हुआ था, क्या बंधा हुआ था, बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन. यहाँ पे ब्रेसलेट वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, हथकड़ी के लिए, ठीक है, मतलब एक हथकड़ी में दो पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट जो था वो था मिस्टर ईस्टन के हाथ में और जो दूसरा उसका कंपेनियन था उसके हाथ में दूसरा पार्ट. द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आई स्लोली चेंज टू वन ऑफ डिस्ट्रेस, अभी तक वो जो लेडी थी, वो जो गर्ल थी, वो बहुत खुश थी, करेक्ट, पुराना दोस्त मिल गया, अच्छे से हंस रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हथकड़ी देखी तो क्या हुआ, उसकी आँखों में एकदम क्या देखने लगा, उदासी. डिस्ट्रेस मतलब एक्सट्रीम सोरो, पेन और सैडनेस दिखने लगी. ईस्टन एज इफ अम्यूज वॉज अबाउट टू स्पीक अगेन व्हेन द अदर मैन स्टॉप हिम, अब ईस्टन ना उससे कुछ बात करने ही वाला था, उस लेडी से उसके साथ कुछ बोलने ही वाला था कि उसके कंपेनियन ने उसे रोक दिया. द ग्लम फेस मैन हैड बीन वॉचिंग द गर्ल्स फेस विद हुडेड ग्लांसेस फ्रॉम हिज कीन, वो जो दूसरा था कंपेनियन जिसको हमने बोला कि उसका ग्लम फेस था, उदास था, वो भी उस लेडी को देख रहा था, ओके, विद हुडेड ग्लांसेस फ्रॉम हिज कीन श्रीउड आइज, हुडेड मतलब होता है विद लूज हैंगिंग अपर आईलेट्स, वो भी उनको देखने लगा. एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, बट यू सीम टू नो द मार्शल हियर, मार्शल मतलब अ टाइटल यूज इन पार्ट ऑफ यू एस ए बाय पुलिस ऑफिसर, ओके, इफ यू आस्क हिम टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी वेन वी गेट टू द प्रिजन ही विल डू इट एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर मी देयर, ही इज टेकिंग मी टू लेवनवर्थ प्रिजन, इट्स 7 years फॉर काउंटरफीटिंग, और वो जो साइड में जो थे ना, जो ग्लम फेस वाला आदमी था, उन्होंने क्या कहा कि मैं बीच में बात करने के लिए कि माफ़ी चाहता हूँ, ओके,
और उन्होंने ऐसे ऐसे दिखाया उस लड़कियों को कि ये जो है मिस्टर रिस्टन, ये कौन है, ये मार्शल है, ओके, और ये जो मार्शल है ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेवनवर्थ प्रिजन में, कितने सालों की, इट्स 7 ईयर्स फॉर काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, इट मे बी कॉपीज ऑफ मनी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब डुप्लीकेट के जुम्मे में मुझे अरेस्ट किया है, और ये जो है मिस्टर इस्तन जो उस लेडी की फ्रेंड है वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेवनवर्थ प्रिजन में, ओके। ओ से द गर्ल रिलीव द कलर रिटर्न हर फेल फेस, अभी देखो अभी तो उसके चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया था जब उसने हथकड़ियाँ देखी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि मिस्टर इस्टन कौन है, मार्शल है, तो अभी वो थोड़ी रिलैक्स हो गई, उसके चेहरे का जो रेडनेस है वो फिर से वापस आ गया। सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग आउट हियर अ मार्शल, ओ तो आप अच्छा तो तुम ये चीज़ कर रहे हो यहाँ पर मार्शल, ऐसा उस लड़के ने इस्टन को कहा। माई डियर मिस फेयर चाइल्ड सेड इस्टन, इस्टन ने शांति से कहा कि माई डियर मिस फेयर चाइल्ड आई हैव टू डू समथिंग, मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप इन स्टेप विद अवर क्राउड इन वॉशिंगटन, आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट एंड ऑल्दो अ मार्शल शिप इज हैड एज हाई अ पोजिशन एज दैट ऑफ एम्बेसडर बट, कीप इन स्टेप मतलब होता है टू स्टे रिलेवेंट, उसका ये कहना था कि मुझे मैंने बहुत सी चीज़ें की, मुझे कुछ करना था, और क्या लगा था यहाँ पे लिखा कि मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विज, मतलब पैसों को तो क्या होते हैं, पर होते हैं, तो वो जल्दी से खर्च हो जाते हैं, अगर वॉशिंगटन में रहना है, वहाँ का जो कल्चर फॉलो करना है तो ढेर सारे पैसे चाहिए। कीप इन स्टेप मतलब टू स्टे रिलेवेंट, मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं तो हम लोग नेचुरली उसका कल्चर फॉलो करने लग जाते हैं, करेक्ट, लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वैसा ही इस तरह ने कहा कि वॉशिंगटन के क्राउड में अगर रहना है, वहाँ पर उनके साथ चल रहा है, तो ढेर सारे पैसे चाहिए, तो ऐसे में मैंने ये ओपनिंग देखी, कौन सी, मार्शलशिप के लिए ओपनिंग की, और ये भी तो अच्छी ही पोजिशन है, एज दैट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री टू रिप्रेजेंट हीज और हर ओन कंट्री, बट चलो नेक्स्ट पेज। द एम्बेसडर से तगर वार्मली डजंट कॉल एनी मोर, उसका ने कहा कि एम्बेसडर ठीक है अब इसके बारे में बात नहीं करते, ही नीडन्ट एवर हैव डन सो, यू ऑट टू नो दैट, सो नाउ यू आर वन ऑफ दिस डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, उसने कहा कि जान दो अभी एम्बेसडर की बात मत करो, अभी जो चीज़ तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छी और किसी डैशिंग हीरो जैसे हो तुम, एंड यू राइट शूट And you go into all kinds of danger, मतलब अभी जो तुम चीज़ कर रहे हो वो कैसे है, मतलब एक हीरो के जैसे कर रहे हो, राइडिंग करते हो, शूटिंग करते हो, डेंजर्स को फेस करते हो, दैट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ, और ये सारी चीज़ें वॉशिंगटन लाइफ से बहुत अलग हैं, यू हैव बीन बैडली मिस फ्रॉम द ओल्ड क्राउड, वो जो ओल्ड क्राउड है उसे वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, तुम उन ओल्ड क्राउड मतलब जो पुराने लोग हैं ओल्ड क्राउड उनके फ्रेंड्स वो तुम उन्हें बहुत मिस करोगे। द गर्ल्स आईज फैसिनेटेड रिटर्न टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकफ्स, फैसिनेटेड मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और इंटरेस्टेड, फिर से उस लेडी की आंखें कहाँ पर गई, हैंडकफ्स के ऊपर। डोंट यू वरी अबाउट देम मिस से द अदर मैन, तो दूसरे आदमी ने कहा कि आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। All marshals handcuff themselves to their prisoners to keep them from getting away. कि सारे मार्शल जो है वो अपने हाथों को क्या करते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, किसके साथ, कैदी के साथ, किसके लिए, to keep them from getting away, ताकि वो भाग ना जाए। And Mr. Easton knows his business. और ये जो Mr. Easton है, जो मार्शल है, इन्हें अपना काम बहुत अच्छी तरह से पता है। Will you see you again in Washington? As the girl, उस गर्ल ने मिस्टर ईस्टन से पूछा कि क्या हम लोग मतलब फिर से मिलेंगे हम लोग कभी वॉशिंगटन में। नॉट सुन आई थिंक सेड ईस्टन, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर, ईस्टन ने कहा कि नहीं अभी तो नहीं मिलेंगे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे जो बटरफ्लाई डेज है, बटरफ्लाई डेज मतलब गुड डे, जो अच्छे दिन है, वो अभी ख़त्म हो चुके हैं।
आई लव द वेस्ट, सेड द गर्ल नीडलेसली. तो उस लड़की ने कहा कि मुझे, मैं वेस्ट को बहुत पसंद करती हूँ, जो वेस्ट साइड है आई लव इट. हर आइज वेर शाइनिंग सॉफ्टली. वो जब ये बातें बोल रही थी तब उसके आँखें क्या कर रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे. लुकिंग आउट ऑफ द कार विंडो शी बिगन टू स्पीक ऑनेस्टली एंड विदाउट एनी आर्टिफिशियलिटी. क्या वो कार के विंडो से बाहर देखते हुए वो बातें करने लगे. उसने स्पीकिंग स्टार्ट किया और जो भी बातें कर रहे थे वो ऑनेस्टली बोल रहे थे, उसमें कोई भी दिखावापन नहीं था. आर्टिफिशियलिटी मतलब अनैचुरलनेस, वो नेचुरली बात कर रही थी. मम्मा एंड आई स्पेंड समर इन डेनवर. उसने कहा कि मेरी मम्मी और मैं, हम लोगों ने कहाँ पर समर स्पेंड किया, डेनवर में. शी वेंट होम अ वीक अगो. एक वीक के पहले ही वो घर चली गई. बिकॉज फादर है स्लाइटली इट, क्योंकि फादर थोड़े उनको कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मेरी मम्मा एक हफ्ते पहले ही निकल गई. आई कुड हैप्पीली लिव इन द वेस्ट. मैं वहाँ पर, मैं वेस्ट में एकदम खुशी से रह सकती थी. आई थिंक द एयर हीयर अग्रेज विथ मी. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की हवा जो है मुझे सूट करती है, इसने वहाँ पर यूज़ किया है कि इट अग्री विथ मी. मनी इजंट एवरीथिंग. पैसा ही सब कुछ नहीं है. बट पीपल ऑलवेज मिस अंडरस्टैंड थिंग्स. लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा गलत फहमी में आ जाते हैं. उनको लगता है कि पैसे ही सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है. सी मिस्टर मार्शल, ग्रम्बल द ग्लम फेस्ड मैन. तो जो अदर पर्सन है ग्लम फेस वाला, उसने कहा कि बोलिए मिस्टर मार्शल, दिस इजंट क्वाइट फेयर, आई एम स्टार्विंग. हैवंट यू टॉक लॉन्ग इनफ, टेक मी टू द पैंट्री कार नाउ, वोंट यू, आई कुड ईट अ हॉर्स. तो वो ग्लम फेस आदमी ने उससे कहा कि ये तो फेयर नहीं है, कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, स्टार्विंग मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, और आपकी बातें तो चल रही है, मतलब बहुत लंबी बातें चल रही है आप लोगों की. तो टेक मी टू द पैंट्री कार. पैंट्री कार अ ट्रेन कंपार्टमेंट फॉर पैसेंजर्स टू ऑर्डर फूड, जहाँ पर फूड ऑर्डर किया जाता है. ओके, ट्रेन में. तो क्या आप मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे. आई कुड ईट हॉर्स, मतलब मुझे इतनी भूख लगी है तो मैं हॉर्स भी खा सकता हूँ. ठीक है. द बाउंड ट्रेवलर्स रोज टू देयर फीट इंस्टन विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस. ठीक है. तो ये दोनों भी ट्रैवलर जो है, जो एक दूसरे से बंधे हुए थे, वो खड़े हुए. इंस्टन भी खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी. आई कॉन्ट डिनाई अ पिटिशन फॉर अ मेल, ही सेड लाइटली. तो इंस्टन ने कहा कि मैं, आई कॉन्ट डिनाई मतलब मना नहीं कर सकता. अ पिटिशन, पिटिशन मतलब अपील. किसी ने अगर खाने के लिए कहा है तो मैं वो मना नहीं कर सकता. इट इज़ अ वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, गुड बाय मिस फेयर चाइल्ड, ड्यूटी कॉल. उसने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ, गुड बाय, ये क्या है, ये मेरी ड्यूटी है. ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर अ फेयरवेल. ठीक है. तो उसने फेयरवेल मतलब गुड बाय किया. देन इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग इस, शी सेड. तो उस लेडी ने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम इस नहीं जा रहे हो. रिटर्निंग टू हर यूजुअल मैनर एंड स्टाइल. अभी तक वो कैसे बोल रही थी, वो नेचुरली बात कर रही थी, लेकिन अभी वो फिर से अपने स्टाइल पर वापस आ गई. बट यू मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ आई सपोज. उसने कहा कि लेकिन तुम्हें तो लेवनवर्थ जाना है. यस सेड ईस्टर, आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ. की ये तो मुझे लेवनवर्थ जाना चाहिए, वहाँ पर जाना है मुझे. द टू मेन सैडल डाउन द आयल इन टू द नेबरिंग कंपार्टमेंट. सैडल का मतलब होता है वॉक इन अ क्वाइट एंड कॉशन वे टू अवॉइड बींग नोटिस. वो लोग चुपचाप वहाँ से कंपार्टमेंट से पैसेज जो था उसमें से नेबरिंग कंपार्टमेंट जाने लगे. टू पैसेंजर्स इन अ सीट नियर बाय हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. अभी देखो, अभी हम लोगों ने ये जो देखा, वहाँ पर क्या था, एक कोच पर एक लेडी थी, उसके अपोजिट में दो लोग बैठे थे, एक ईस्टर्न और एक उदास चेहरा वाला आदमी. करेक्ट. अभी उसके साइड में भी चेयर्स होती है ना, वहाँ पर दो पैसेंजर्स बैठे थे और इन्होंने ना इन लोगों का जो भी कन्वर्सेशन था वो पूरा सुना था. वन ऑफ देम स्पोक अप नाउ. उसमें से एक ने अभी क्या कहा, देखो. दैट मार्शल्स अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप, सम ऑफ दिस वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट. उसने कहा कि ये जो मार्शल है ये कैसा है, अच्छा है, मतलब कुछ वेस्टर्न के जो फेलोज हैं, लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं. प्रीटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही. तो दूसरे ने क्या कहा पता है, कि एक मार्शल
मतलब एक ऑफिसर, वो भी इतना यंग, कितनी अच्छी बात है ना ये, यंग, एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर। फर्स्ट स्पीकर ने एकदम आश्चर्य से कहा कि यंग, डिडंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, हैव यू एवर नोन एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, कि तुमने कभी सुना है कि एक ऑफिसर जब प्रिजनर के साथ हैंडकफ लगाता है, हथकड़ी लगाता है, तो अपना राइट हैंड उसमें डालता है। आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कहा गया है, उसमें दो लोग थे, करें एक जो था जो अच्छा दिखने वाला था और दूसरा कैसा था, ग्लम फेस वाला। ओके, तो यहाँ पर हमने जब स्टोरीज पढ़ी तो हमें क्या लगा कि ईस्टर्न कौन है, मार्शल, करेक्ट, ईस्टर्न मार्शल है और वो बहुत अच्छा गाया है, नाइस, और दूसरा ही प्रिजनर होगा, ऐसा लगा स्टोरी पढ़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, एक्चुअली बात इसमें ऐसी है कि जो मिस्टर ईस्टर्न था वो कौन था, वो खुद ही एक प्रिजनर था, और वो जो ग्लम फेस वाला आदमी है वो था मार्शल। और ये कैसे प्रूव होता है, यहाँ पे जो लास्ट में जाइन लॉयल लिखी है ना, हैव यू एवर नोन एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड, मतलब अगर कोई ऑफिसर किसी प्रिजनर के साथ हैंडकफ लगाता है साथ में, तो वो कभी भी अपने राइट हैंड को नहीं लगाएगा, करेक्ट। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर वो प्रिजनर भागना चाहे तो उनको उनका राइट हैंड कैसे चाहिए, फ्री चाहिए उसको पकड़ने के लिए। आया आप लोग हमको समझ में अभी, इसलिए ये जो चैप्टर का नाम है ये है हार्ट्स एंड हैंड्स, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर किसी को भी जज कर लेते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं बहुत सी चीज़ें। और यहाँ पे हैंड्स मतलब उनके जो हैंड है वो कुछ अलग ही बता रहे थे, ठीक है, लेकिन वो जो लेडी है उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा कि नहीं ईस्टर्न ही मार्शल है, करेक्ट, लेकिन बाकी के लोग ना तो उनको पहचानते थे और ना कुछ, इसलिए उन्होंने वो हैंडकफ देखकर पहचान लिया कि कौन मार्शल है और कौन प्रिजनर है।